Hello everyone. Today at Friday Talks, we are going to meet an extraordinary talent. With his skills and extraordinary vision, he has been able to give the most creative and outstanding films to the Punjabi film industry. His creativity is his biggest strength. Please welcome the multi-talented writer, director, Jagdeep Sidhu on Friday Talks. थैंक यू वेरी मच जगदीप बाजी आप टाइम निकाल के आ, आए स्पेशली इस शो के लिए आ, मैं हमेशा चाहता था कि जो हम इस सीज़न की शुरुआत करें वो आप ही से करें क्योंकि हम लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी तो ये रह गया था एंड uh, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा है और मैं हमेशा ये हर एक इंसान को बताता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर टॉप थ्री इंटेलेक्चुअल बंदों में से एक हैं तो वो आप एक हो सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लर्निंग स्टिल नाउ विच यू हैव गिवन अस थैंक यू थैंक यू सो मच इतना अच्छा बोलने के लिए एंड <laughs> भाजी मैं तो आपके साथ इतनी बार इंटरेक्ट किया सो आई नो योर जर्नी बट वी वॉन्ट एवरीबडी जो जो लोग आपको फॉलो करते हैं जो जो लोग चाहते हैं कि उनको ये पता लगे जगदीप सिद्धू कौन है और आया कहाँ से है क्योंकि हर बंदे ने एक टॉप फिल्म डायरेक्टर जगदीप सिद्धू देखा बट किसी ने एक्चुअली जगदीप नहीं देखा होगा जो कि एक जर्नी होती है एक हर इंसान की सो so, पाजी स्कूल से शुरुआत करते हैं हाउ uh, वॉज जगदीप इन स्कूल एक्चुअली मेरा जो फिल्म इंडस्ट्री का सपना है या जो कह लो वो स्कूल से शुरू हुआ मैं सेकंड क्लास में था okay. तो मेरा एक फ्रेंड है विक्रमजीत अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है जी. तो उसके पापा 74 में बॉम्बे गए थे okay. बलदेव खोसा जी के साथ उनके आज़े. फ्रेंड थे वो एक साथ एक साथ ही बॉम्बे गए थे जी. तो उनके घर पे स्क्रीन न्यूज़पेपर आता था जी तो जब वो छुट्टियों में जाता था तो उस हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो उसके कॉपियों के ऊपर फिल्मों के कवर रहते थे स्क्रीन के तो मैंने पहली बार मतलब थोड़ा बहुत अब तक जैसे हर बच्चे को होता है फिल्मों का शौक़ था आपने तो वो फिल्मों की न्यूज़ फिल्म बनती कैसे या तो स्क्रीन में मतलब बहुत बड़ा न्यूज़पेपर आता है वो सत्रह अठारह पन्नों का और तो टोटली फिल्म मेकिंग की ही बातें होती हैं डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं शूटिंग के बातें होती हैं तो वो मेरे को मैं उसके सारे कवर उतार लेता था, था जब वो चलाता था, था कि मैं तेरे दूसरे कवर चढ़ा दूंगा तो ये मेरे को दे दे फिर उसने बेचारे ने हार के मेरे को पेपर लाने देने शुरू कर दिए कि मैं यार तेरे लिए अखबार ले आऊँगा तो उतार मत दिए। दिए। तो वहाँ से वो मेरा शौक डेवलप हुआ दिए। दिए। तो मैं फिफ्थ तक वहीं गंगा नगरी लोकली एक स्कूल में हॉस्टल में था तब मैं होशियार था बहुत होशियार था और वो हमेशा फर्स्ट आता था मैं सेकंड आता था या मैं फर्स्ट आता था कभी ऐसा बेस्ट फ्रेंड थे बेस्ट फ्रेंड थे हम फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया सैनिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ तो फिफ्थ तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा पढ़ाऊँ सिक्स से इंग्लिश मीडियम में तो मुझे जब मैं वहाँ गया और किताबें इंग्लिश वाल मिल वाली मिली और घर वाले छोड़ के आगे तो अब एक तो पंजाबी और ऊपर से बंदा ऊपर से इंग्लिश और फिफ्थ तक हिंदी मीडियम में आप पढ़े हुए तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया फिर मैं बस कैसे तैसे पास ही होता था जी तो वहाँ भी मेरा फिल्म का वो एक सपना Passion. बढ़ता ही गया कि मुझे भी लगता रहता था मैं मेरे दोस्तों के साथ ऐसे मजाक उड़ाता था उनका कि डस्टर उठा लिया जमेट्री उठा ली तो मैं उनको कहता था तुम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगोगे है ना तो मैं तुम्हें फ़ोन किया करूँगा कि यार मैं तो स्विट्ज़रलैंड में हूँ मेरी तो वहाँ शूटिंग चल रही है तुम अच्छा ऑफिस बैठे हो बॉस छोड़ नहीं रहा ना तो ऐसे ऐसे करके सबसे बातें करता था तो तब सबको ऐसे लगता था कि यार ये थोड़ा हो जाएगा ये नहीं हो ये कैसे हो जाएगा बट मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बिलीव था कि ये होगा जी और मैं आज भी मेरे को लगता है कि ये सिर्फ उस बिलीव की वजह से हुआ जब आप स्कूल में थे जब आप मे बी नाइन्थ या टेंथ क्लास में थे तो उस दौरान कभी आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग भी ली है जिसमें आ, बेसिकली आपने अपना स्किल डेवलप किया है कि या आप सिर्फ पढ़ के ही या देख के ही टी देख के कुछ सीख रहे थे आपकी इस बात से किस्सा याद आ गया मैं जब एल के जी यू के जी में था जी। तो कोई किसी तो पोइम पे एनअल डे पे कुछ फंक्शन हो रहा था तो मुझे टीचर ने उसमें सब कुछ स्टोरी थी कि एक ओल्ड मैन है और बाकी सब एनिमल्स हैं तो मास्क पहन के एनिमल बनना था तो मुझे डॉग बनाया उसमें फिर किसी बच्चे के पेरेंट्स आए कि अरे हमारे बच्चे को पिग नहीं बनना है जी। <laughs> तो टीचर ने चेंज करके मेरे को पिग बना दिया फिर किसी का और किसी के पेरेंट्स आए कि हमारे बच्चे से आप कुछ करा नहीं रहे नहीं। तो मुझे पिक से भी निकाल दिया वो भी किसी को बना दिया <laughs> और ये पूरा स्कूल मेरे साथ ये कंटिन्यू चला मैं जब सैनिक स्कूल में भी था तो भी मेरा बहुत ऐसे मन करता था मैं कोई प्ले करूँ कोई स्किट करूँ बट आ, कभी मौका नहीं मिला मेरे को कभी किसी ने सीरियसली नहीं, नहीं लिया और या उस तरीके से नहीं लिया तो मैं टेंथ में मतलब जब मैं टेंथ क्लास में था तो वो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पर चली गई कि मैं कर्टन खींचने वाला बन गया कि मेरे को था कि क्लास से तो बंक मिलेगा मैं पर्दा खींचूंगा और वो फिर मतलब ऐसे मेरे नीचे दो और पर्दे वाले होते थे मेन कर्टन पे मैं बैठता था तो करना भी कुछ नहीं होता था और क्लास से भी बंक होती थी तो उन दौरान जैसे टेंथ में एक कोई प्ले था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी तो मैं अंदर चला गया था कोई करेक्टर को बुला रहे थे वो आ नहीं रहा था मैं उसकी जगह चल के उसको हैंडल कर ली थी मैंने सिचुएशन ऐसे जी। तो वो तीन चार बार किया मैंने जब वो करता था फिर एक बार जब मैं ट्वेल्थ में था तो एनुअल डे पे था और पीछे कुछ रेडी नहीं था तो बहुत देर से कर्टन बंद था तो हमारे जो टीचर थे तो मैंने उनको बोला कि सर मैं जाऊँ तो उन्होंने कहा तू करेगा क्या मैंने कहा कि अब मैं यहाँ बताऊंगा या मैं वहीं कर सकता हूँ तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने स्टेज फेस किया एक स्टैंड अप एक्ट किया मैंने दस पंद्रह मिनट का और बहुत स्पॉन्टेनियस था वो और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ मतलब मेरे फादर भी बहुत खुश हुए कि यार नी मतलब नी, उनको पता ही नहीं था कि ऐसे बोल सकता हूँ फादर की बात हुई है पेरेंट्स का ना भाजी हर बंदे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी तरीके का उनका करियर बनता है सो so, अंकल का पेरेंट्स का स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में आपको इस डायरेक्शन में कितना मोटिवेट करने में रोल है मुझे ये पता है कि मेरे फादर को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि मेरा इस लाइन में इंटरेस्ट है इंट्रेस्ट। और मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा मतलब पहुँचूंगा करूँगा एज इन की ट्राई जरूर करूंगा होगा कुछ नहीं होगा हुँ, वो हुँ. तो और जो भी मैंने मतलब मेरा एफर्ट बॉम्बे पहुँचने का जो भी मेरी जर्नी रही तो उन्होंने कभी खुलके से नहीं सपोर्ट किया बट उन्होंने उसको अपोज नहीं किया कि ठीक है कर रहा है तो करने दो उनको पता था तो जिधर मैं जा रहा था उन्होंने जाने दिया तो मेरे को वही बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है कि मेरे को मौका दिया उन्होंने घर से निकलने का भाई अपने टाइम में अगर हम बात करें जो जो वो वक्त था उस टाइम पे एक कंपैरिजन बहुत होता था कि रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं पड़ोसी क्या कर रहे हैं या मे बी आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं सो so, आपके साथ कंपैरिजन होता था जब आपने उनसे डिस्कस किया होगा कि आ, मैं ये फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ सो so, उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन बाय द रेलेटिव और बाय बायस मडीरियल्स कोई ऐसा इंसिडेंट

उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी एंड देन ग्रेजुएशन से फिल्म तक की कैसे जर्नी रही आई I मीन mean, आपने कब सोचा कि मैं ये शहर छोड़ के जाऊँगा और मैं अपनी स्ट्रगल खुद शुरू करूँगा मुझे ग्रेजुएशन का कभी था ही नहीं तो मुझे तो सिर्फ ये था कि मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं पहले हुआ ट्वेल्थ फेल जी दूसरा साल जब मैंने दोबारा ट्वेल्थ की तो मेरे आई सप्लीमेंट्री जी तो फिर कॉलेज वॉलेज नहीं लिया सप्लीमेंट्री के चक्कर में तब तक मेरे को यह था कि यार तो मैं जयपुर चला गया जी दूसरे बार में ओके तो मैं फिर जयपुर प्राइवेट महाराजा कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन जयपुर मेरा कभी एम नहीं, नहीं था कि मुझे तो बॉम्बे जाना है तो मैंने वो एक साल वो भी बर्बाद कर दिया कि एग्जाम एग्जाम नहीं दिए फिर मेरे साथ वालों की सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया <laughs> फिर मैं चला गया दिल्ली दिल्ली मैंने तब निफ्ट का मुझे कहीं से पता लग गया तो मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया तो मेरा निफ्ट में क्लियर नहीं हुआ ओके तो पर्ल करके एक दिल्ली में है वहाँ पे मेरा हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो गया जी। तो मैं दिल्ली गया तो मुझे पता चला कि वो चार साल का कोर्स है और उनका बॉम्बे अब उनका इंस्टीट्यूट है तब नहीं था जी तो मैंने कहा अगर यहाँ मैं फंस गया तो फिर तुम मैं गया काम से बॉम्बे नहीं जा पाऊँगा तो मैंने वो भी नहीं लिया उसको भी ड्रॉप करके एक साल दिल्ली प्राइवेट ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट पकड़ा तो साल दिल्ली पास किया तो तीन साल मैं अभी कॉलेज शुरू भी नहीं किया हाँ खराब कर दी मेरे साथ के ग्रेजुएट हो गए और मैंने अभी शुरू भी नहीं की लेकिन वो जो तीसरी बार था तो फिर मैंने निफ्ट का एग्जाम क्लियर कर लिया कि मुझे बॉम्बे जाना है तो एक ही रास्ता है कि मेरे को लगा कि ठीक है ये मैं क्लियर कर सकता हूँ मैं बॉम्बे जा सकता हूँ और फिर निफ्ट में मेरी ऑल इंडिया 80 रैंक आई 82 टू तो मुझे दिल्ली सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है आज भी दिल्ली ही सबसे बेस्ट है निफ्ट का तो मुझे दिल्ली बहुत आराम से मिल रहा था तो हमारे गंगानगर के एक बहुत बड़े डिजाइनर है राजेश प्रताप सिंह जी तो उन्होंने वो पापा ने कुछ कनेक्शन बिठाया उनके कॉमन फ्रेंड है तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है कि निफ्ट में इतनी अच्छी रैंक आई है दिल्ली ले लो दिल्ली सब तो बेस्ट है अब मुझे दिल्ली जी। लेना नहीं है तो फिर काउंसलिंग में, में मेरे फादर साथ थे बट अंदर सिर्फ स्टूडेंट ही जा रहा था तो मैं फिर अंदर गया बॉम्बे सीट लेके आ गया तो मेरे फादर ने कुछ भी उस पर डिस्कशन भी दिस्केशन नहीं किया तो मुझे तो उस तब जाके लगा कि शायद उनको पता है कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ फिर मैं बॉम्बे चला गया बॉम्बे जो मेरा कॉलेज था तो मैंने खार पढ़ा था जी और मैंने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में एड्रेस आते रहते हैं एक्टर्स के तो मोस्टली खार हाँ जी उस वही साइड हाँ 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 है तो रेड चिलीज का ऑफिस खार में मुझे ये पता था तो मैंने कहा चल खार खार जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे पता चला मेरा कॉलेज हर घर में है न्यू बॉम्बे <laughs> वहां से ढाई घंटे दूर तो फिर ऐसे करके मैं निफ्ट में चला गया मतलब बॉम्बे पहुँचा शोभा so, जी जब आप ने निफ्ट में एडमिशन ली बेसिकली तो आपको ये पूरी क्लैरिटी होगी थी कि आप फिल्म मेकिंग में जाएंगे ठीक है ये क्लैरिटी थी कि एंटरटेनमेंट में जाएंगे नहीं फिल्म मेकिंग में जाऊंगा मुझे फैशन डिजाइनिंग नहीं करनी, करनी थी।, थी वो बस मेरे लिए एक जरिया था जी और मैं वहाँ पहुँच के जब मेरे को था कि खार में है वही इंडस्ट्री है तो मैं कॉलेज के बाद स्ट्रगल करूँगा मिलूंगा इधर उधर कुछ जी। कुछ स्टार्ट करूंगा तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ या बंक मारूंगा जो भी तो वो दूर इतना था कि ढाई घंटे आप आओ ढाई घंटे जाओ तो वो उसमें ऐसे फंसे उधर से दूर इतना तो मेरे कॉलेज में मुझ जैसे कोई और दो चार लोग आए हुए थे जिनका भी यही सपना था तो हमने कॉलेज में एक ग्रुप बनाया फिर उसमें प्ले करने शुरू किए फिर हम शॉर्ट फिल्में बनाने लग गए कॉलेज में तो वो कॉलेज में शॉर्ट फिल्में बनाना तो वहाँ से फिर क्योंकि पहले सब सोच के जाते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा जब वो एक्टिंग करने लगा तो मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत कच्चा हूँ तो एक्टर तो नहीं बन सकता मैं लेकिन वो शॉर्ट फिल्में बना के थोड़ा और इंडस्ट्री का नॉलेज हुआ तो आपको पता लगा कि अच्छा डायरेक्शन भी होता है कैमरा भी है प्रोडक्शन भी है तो फिर मैंने को पहले लगा कि मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ मैं प्रोड्यूसर बनूंगा मैम चीज़ों को मैनेज करने में बहुत अच्छा हूँ फिर करते करते मैं हमारी जो शॉर्ट फिल्में थी वो लिखने लगा तो वो करते करते फिर उसी टाइम मैंने एक ओए लक्की लक्की ओए फिल्म देखी जी थी। जी बिल्कुल तो वो फिल्म देख के मुझे लगा था कि मैं ऐसी फिल्म मैं भी लिख सकता हूँ जी तो वहाँ से वो मेरा मेन जो ट्रिगर पॉइंट था जिससे मुझे लगा कि मैं ये फिल्म लिख सकता हूँ मैं राइटर बन सकता हूँ हम जब कॉलेज में थे तो हम शॉर्ट फिल्में बना बना के हमें लगता था कि हमें काफ़ी काम आने लग गया हमें बड़ी फिल्म बनानी चाहिए अभी तो हमने कॉलेज में एक स्क्रिप्ट लिखी थी और उसके लिए हम अलग अलग बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में मीटिंग करते थे तो हमेशा नरेशन देना पड़ता था तो मैंने दिए। दिए। लिखी थी और नरेशन में मैं अच्छा था दिए। दिए। तो बंक मारना पड़ेगा तो अभी अगर किसी ने भी बंक मारा तो री एग्जाम तो पॉसिबल नहीं है सुनानी मुझे आती है तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे

तो मैं डेढ़ साल स्ट्रगल करता हूँ जी कॉलेज नहीं करता कॉलेज छोड़ देता और बिना बताए बिना बताए और डेढ़ साल में कुछ हुआ ठीक है नहीं हुआ तो घर वालों को बोल देंगे कि मैंने नौकरी नहीं करनी, करनी। मैं तो खेती करूंगा और वापस आ जाएंगे फिर मेरे घर पे पता चल गया जी। कॉलेज से फोन चला गया जी। तो फिर जब मेरे फादर ने उन्होंने ये बताया कि मुझे पता है कि तूने कॉलेज छोड़ दिया जी तो पहली बार मैंने लाइफ में उनको खुल के ये बता दिया कि मैं इसलिए बॉम्बे आया हूँ मुझे इसी लाइन में काम करना है तो उन्होंने मुझे बोला कि कि तू डिग्री पूरी कर ले फिर कर लेना तो मैंने कहा नहीं मेरे को तो काम मिल गया है तो जबकि काम था नहीं जी। कि क्या काम मिल गया मैंने कहा मैं असिस्टेंट लग गया हूँ तो कहते क्या तनख्वाह देते जी। तो मैंने कहा दस हज़ार तो उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए <laughs> फिर मेरा डेढ़ दो साल उधारी पे चला दो लाख रुपए उधारे हो गए एक लाख पचासी हज़ार दोस्तों से दोस्तों से ले दोस्तों से ले लेके इससे लेके उससे लेके के क्योंकि रेंट भी नहीं देता था वो ही देते थे तो वो भी उधार सब खाना भी उधार सब उधार और फिर जब कॉलेज खत्म हुआ जी। तो मेरे साथ के रूम साथ। खाली करने हैं फ्लैट खाली करना है कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया तो अब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है एक लाख पिचासी हजार भी उधारे दे रहे हैं तो वो एक पॉइंट था जब मेरे को लगा कि यार बर्बाद हो गया और फंस गए अब कुछ नहीं हो सकता तो मैं डोर टू डोर हो गया बैग उठा के कि हर ऑफिस में जाना कि कुछ भी काम मिले बस काम मिलना चाहिए जितनो लोगों को बोल सकता था और फिल्म इंडिया करके एक मैगजीन वो डायरेक्टरी आती है बॉलीवुड के उसमें नंबर्स होते हैं और ईमेल करता रहता था तीन चार हजार ई राइटर के कि मुझे राइटर का जॉब चाहिए राइटर का रिज्यूमे भेजता रहता था जो शॉर्ट फिल्म में बनाई जी जी बिल्कुल तो ऐसे कर करके फिर मैंने मतलब वो एक हफ्ता लग गया मैं कि यार मर जाएंगे तो उस दौरान मुझे याद है मैं विशाल भारद्वाज सर के ऑफिस भी गया था जी। तो उनको स्क्रिप्ट दी मैंने तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड है मैंने कहा नहीं तो कहते अगर कोई चोरी कर लेगा जी। तो मैंने कहा अगर मेरी स्क्रिप्ट विशाल भारद्वाज चोरी कर लेगा तो मैं इस हौसले में बहुत अली तो <laughs> <थु। laughs> उन, उनके मैनेजर ने मेरे को अपना कार्ड दिया था उनको ये मेरी बात बड़ी अच्छी लगी थी कि तब लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था जी। तो फिर वो करते करते मतलब कुछ रास्ता नहीं था जी। फिर मैं कैसे तैसे एक काम पकड़ा मैंने इंटर्न जी तो फिर वहाँ से मेरा धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई अमेजिंग अमेजिंग भाजी एक क्वेश्चन था बिकॉज चार साल वहाँ पर तीन साल जयपुर प्लस दिल्ली मिला के सात साल में फ्रस्ट्रेशन कितनी आ जाती है कि uh, आपके आसपास वाले कोई ग्रेजुएट कर गया कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर गया कोई आईआईटी में कोई आई एम में और कोई अच्छी जॉब्स है, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया हर बंदा बेसिकली उस सात साल में आपसे आगे ही होगा कहीं ना कहीं तो कैसे मोटिवेट करते थे खुद को कि सात साल कोई काम नहीं हो रहा और अभी फ्यूचर कुछ दिख भी नहीं रहा एक्चुअली जब मैं ट्वेल्थ के बाद से ना मैंने डेली डायरी लिखनी शुरू की थी जी और दस साल डेली डायरी लिखी है मैंने 2003 से लेके 2013 तक ओके okay. तो मैं अभी भी कभी कभी पढ़ता हूं ना तो बहुत रेयर ऐसा कभी होता था कि मैं डिमोटिवेट हुआ okay. या मुझे डर लगा हो कि मेरा क्या होगा जी मैं अभी पढ़ता हूँ तो उसमें हमेशा मेरे को यही मिलता है कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो मेरे को कभी डर नहीं लगा क्योंकि मेरे को आ, मैं दोस्त भी मेरे मजे लेते थे कि तू हम नौकरी लग गए हैं तो मैं उनको बोलता था कि मैं ना मेरा बुढ़ापा जवानी में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि तुम जल्दी नौकरी लगे हो जल्दी रिटायर हो गए तो तुम्हारे ये वाली लाइफ तुम घर पे बैठोगे मैं वो वाली लाइफ इधर ला रहा हूँ लेट काम शुरू करूंगा लेट रिटायर होगा तो ऐसे मजाक उड़ाता जब मेरा कॉलेज में था मतलब बॉम्बे गया था तब तक तो ग्रेजुएट हो गए थे जी। तो मेरे जो खास खास दोस्त थे जिन जो सेल, जो सैलरीज पे थे जी। तो मैं उनसे पैसे मंगाता था, था। हाँ। कि यार तेरी तो नौकरी लगी दस हजार भेज ना और वो थे किस लिए तो मैं आया था ऐसे खर्च करने उड़ाने की तुम तुम मेरे को लगता था उन, उनके लिए तो क्योंकि उनकी लाइफ शुरू हो गई थी घर गृहस्थी चीजें और मुझे लगता था कि पैसे यार इन तो चालीस पचास हजार रुपए महीना ऐसे मिलते है तो क्या है तो मैंने मेरे बड़े दोस्तों से तो पैसे मंगा के ऐश की बहुत हाँ आज भी बात होती है उनसे हाँ आज भी बात होती है सो भाई एक और चीज़ मैं हमेशा बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट मोटिवेशन हेयर संगत का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में डायरेक्शन होने में सो so, जैसे अभी फ्रेंड्स की बात हो रही है ड्यूरिंग दोज़ फोर फाइव ईयर्स आपके फ्रेंड्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया और राइट फ्रेंड्स होना कितना जरूरी है उस टाइम पर हाँ ये बहुत जरूरी है कि आ, आप कोई तो बंदा हो जो आप में बिलीव करता है तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आप में बिलीव करते थे तो हमारे टाइम में ना मतलब उस टाइम जब अपना टाइम था तो ऑर्कुट था जी तो ऑर्कुट पे एक लड़की से मेरी बात होती थी वो पाकिस्तान में टीचर है जी तो ऐसे करके मेरी उनसे दोस्ती होगी आज हमारी फोन पे बात होती है जी तो उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है मेरा उनसे तो मैं क्योंकि ये सुनने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि मेरे बारे? को फिल्म लाइन में काम करना है ना तो बंदा आप किसी से भी बात करते थे तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा यार क्या करेगा कैसे नहीं। करेगा नहीं। तो मैं उनको वो लोग उनके जिनको मैंने अपना स्ट्रगल दिखाया है जिनको मैं घर पे नहीं बता सकता था दोस्तों को सास वालों को भी नहीं बता सकते वो हंसेंगे अरे कुछ हो रहा रहा नहीं धक्के खा आ, रहा। आ, है तो वो टाइम ना आपको कहीं निकालना होता है वो या तो मैंने मेरी डायरी में बताया और यहाँ दो तीन ऐसे लोग जिनको मैं मेरे को पता, में जिंदगी में मिलना नहीं है इसको ये कौन है इसको बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं उनको अपने फेलियर बताता था कि मैं मीटिंग उनको जब कुछ मीटिंग होनी उनको बताना कि मेरे को उसने बुलाया है कुछ होने वाला है फिर उसमें छह महीने निकल जाते हैं कुछ नहीं होता वो भी मैं उनको बताता था कि नहीं हो रहा तो वो लोग आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते रहते हैं कि यार हो जाएगा हो जाएगा तो जब वो ऑर्कट बंद हो रहा था तो मैंने वो उस लड़की से नंबर लिया कि यार ये बंद हो जाएगा और मेरे को मैं जब बन जाऊंगा ना जिंदगी में जी तो जी मेरे को आपसे जरूर बात करनी है ना कि आप रैंडमली मेरे को कोई बंदा जानता नहीं और आपको इतनी दुआएं देता है तो ऐसे दो तीन हैं एक मेरी वो भी मेरे को ऑर्कट पे मिली थी मेरी सिस्टर बने बने जी। और अभी वो कनाडा में है जी। तो उसने भी मेरी पूरी आ, है, हाँ, तो <laughs> वो इस लाइन में क्योंकि आप बता नहीं सकते मतलब लोगों को नहीं समझ में भी नहीं आएगा आपको भी डर लगता है कि यार मजाक बनेगा और आई थिंक इंसान सबसे ज्यादा इसी चीज से डरता है कि वो फेल होने से डरता नहीं है उसे इस चीज़ का डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ये सब लोग सब क्या लोग कहेंगे क्या क्या गे हाँ तो समये? वो वो चक्कर है तो ऐसा ही एक दो जो मेरे खास दोस्त भी थे एक एयरफोर्स में महेंद्र जी तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता रहता दे, था, दे, था कि यार कुछ हो जाएगा हो जाएगा तो ये तीन चार लोग थे जिनको मैं बताता था जी जगदीप भाजी जगदीप से जगदीप सिद्धू वो कौन सा एक शॉर्ट था जब आप बेसिकली इंडस्ट्री में आए एंट्र और आपको पहला मौका मिला और जब आपको ये फील हुआ दैट दिस इज़ माई चांस एक्चुअली छोटा छोटा काम मिलने लग गया था पंजाबी इंडस्ट्री में एज ए डायलॉग राइटर बट मेनली कुछ अच्छा नहीं आया था नहीं। तो मेरा कुछ डायरेक्टर्स ने जैसे एक फिल्म में देख के मुझे डायलॉग के लिए बुलाना शुरू किया तो सिमर पाजी ने मेरे को बुलाया था कि एक फिल्म के डायलॉग लिखने हैं तो उन्होंने वो फिल्म एम ई को डरेट की एम को वो फिल्म पसंद नहीं आई तो उसने कहा कि हम जबकि स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे कि यार मैं ये फिल्म ये फिल्म नहीं करूँगा मैं आपके साथ फिल्म कर लूँगा प्रोड्यूसर भी एम पे विलिंग थे सब चीजें लॉक हो गई तो स्क्रिप्ट नहीं थी डेटे भी मिल गएगी तो करते करते मुझे याद है कि चार मई की बात है शायद चार मई को जाके सिमर ने मेरे को बोला कि यार तेरे पास कोई स्क्रिप्ट है तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी जस्ट एक आइडिया था।, था तो चार मई को हमारी बात हुई और बाईस मई को हमने फिल्म शूट शुरू कर दिया वो थी निका जलदा अरे और उसमें गलती से मतलब मेरा नाम उन्होंने क्रेडिट्स में जगदीप सिंह हटा दिया जगदीप सिद्धू डाल दिया <laughs> और वो फिल्म फिर बाद में चल गई तो हाँ तो फिर मैं उसके बाद से जगदीप सिद्धू नाम रखता हूँ so, वो बेसिकली आपका पहला हाँ मैडम हाँ यहाँ से लाइफ टर्न की जी फिर इतनी बड़ी फिल्म हिट देने के बाद हर बंदे के आपके पास अप्रोच भी आ गई होगी फोन भी आ गए होंगे अब वहां से लेके एक बड़ी फिल्म खुद डायरेक्ट करने की जर्नी वो कॉन्फिडेंस कैसे डायरेक्शन आप आप right. के, में में के बारे में कभी सोचता ही नहीं था मेरे को डायरेक्टर बनना नहीं था कभी मतलब एक डिस्कवर हो गया था कि मुझे राइटर बनना है और मुझे चीजें मैनेज करने में मैं अच्छा हूं तो मैं क्लियर था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो आ, राइटिंग का मेरा काम चल रहा था तो मैंने उस दौरान किस्मत लिखी जी, हिंदी के लिए जी, और हिंदी में मैंने किस्मत नरेट करनी शुरू की तो सबको नरेट की वरुण से लेके श्रद्धा सुशांत राजपूत आदित्य रॉय कपूर विक्की कौशल आयुष्मान खुराना कार्तिक कार्यन कोई बंदा नहीं छोड़ा उस उस कैटेगरी का और बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज में वाई में गई फिल्म बालाजी में गई टी सीरीज के पास गई फिर धर्मा में गई लास्ट में तो ऐसे करके कहीं भी सेट नहीं हो रहा था तो मैं सिर्फ एज ए राइटर ही कर रहा था फिल्म को स्क्रिप्ट सबको पसंद आ रही थी लेकिन बन नहीं रही थी कहीं कुछ पंगा कहीं कुछ पंगा, कुछ पंगा कोई ना कोई चीज़ की वजह से तो फिर धर्मा में मेरी फ्रेंड है वो चंडीगढ़ से ही है मतलब अब फ्रेंड है तब नहीं थे वो क्रिएटिव हेड थे निधि तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया कि यार तू इस पिक्चर को पंजाबी में बना ले तो वहां चल जाएगी तो फिर यहाँ भी बन जाएगी तो मैंने फिर पंजाब में कुछ डायरेक्टर्स को सुनाई वो तो पंजाब में कॉमेडी उस टाइम तो बहुत ही पीक पे थी, थी। पीक पे थी तो वो पिक्चर सैड थी तो किसी सब ने मेरे को मना किया कि यार ये पिक्चर तो हिंदी की है ये पंजाबी की नहीं हिंदी में बन नहीं रही पंजाबी वालों को बनानी नहीं है तो फिर मैंने मेरे को लगा कि यार एक बिलीव था मेरे को सब्जेक्ट कि यार ये सब्जेक्ट सही है तो फिर मैंने उस वो फिल्म कोई नहीं बना रहा था उसके लिए मैं डायरेक्टर बना जी जी क्या बात है मतलब ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में बहुत देखा है कि आपके रिजेक्शन होते हैं ना जी. जो वो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं बहुत फ़ायदा होता है आपको उनसे वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा लिख रहे होते हैं जी और पाजी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे कि कोई भी जितनी आपने चीज़ें बताई हैं चाहे वो बता आप डायलॉग राइटर चाहे एक फिल्म राइटर चाहे फिल्म डायरेक्टर कोई भी आपने बेसिकली एजुकेशन नहीं ली सो इट इज़ अ चैलेंज कि आपको उस स्किल के अंदर मास्टरी करनी है आप उस चैलेंज को कैसे टेक करते थे कि हाँ जी कि मैं ले लिया और मैं अब सीखूंगा इसको हाँ जैसे आपको मेरी अभी जर्नी लग रही होगी कि शायद ये किस्मत से ऐसे ऐसे करके पहुंच गया जी जी जी। लेकिन उसमें ना बहुत सारे मेरे डिसीजनस हैं मतलब जो ब्रेव डिसीजन हैं यहाँ से मैं बर्बाद भी हो सकता था बट मैंने वो लिए और वो अपने कैलकुलेटेड uh, मेरी कैलकुलेशन भी थी और बिलीव था दो चीज़ें थी मेरे पास कि ये करूँगा तो ये होएगा ये होएगा ये होएगा तो मैं हमेशा वो कैलकुलेशन से टाइम टू टाइम मेरे जो डिसीजन थे वो मेरे लिए बहुत सही पड़े दिल्कुल। और दूसरा जो मेहनत की बात आती है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने दस साल डेली डायरी लिखी जी तो आप दस साल एक काम कर रहे हो मैंने दस साल राइटिंग की प्रैक्टिस की जी जी। है कंसिस्टेंसी हाँ वो मुझे पता नहीं मैंने सोच के नहीं किया है अमेजिंग लेकिन वो मैं दस साल मैंने एक काम जी, किया है तो जब आप इतना अग, काम कर रहे हो तो एक दो साल में लोग बोर हो जाते हैं हाँ, दे शिफ्ट शिफ्ट नहीं एक मैं जैसे बहुत अभी राइटर आते हैं कि हाँ पाजी लिख लिया है फंस गए हैं आगे की करिए है ना तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि यार लिख के ही होगा क्योंकि वो मतलब आप एक ही जैसी लाइफ है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ देख बहुत भी हां। हाँ देख. कुछ नहीं हो रहा बट मैं रोज लिख रहा हूँ रोज लिख रहा हूँ दस साल डेली डायरी और उसके अलावा मैंने जब मेरे को लिखने का वो शौक पड़ गया था तो बहुत कुछ लिखा है मैंने छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं लोगों के बारे में स्केचेस लिखे हैं तो मेरे को लिखना बढ़िया लगता था लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे राइटर बनना है पर वो मेरी मेहनत थी तो वो एक तरीके का तो वो बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप

कि यंगस्टर्स को ना जल्दी अचीव करना है सब कुछ राइट जैसे आपने कहा दस साल दस साल आज बोलने में बहुत इजी लगता ये ये। है कि दस साल मैंने राइटिंग करी है बट आई थिंक वो एक तपस्या ही है ये ये। दस साल पूरी इतनी लंबी जर्नी रेगुलर आपने आप बीमार भी हो सही ये ये। भी हो आप फिर भी लिख रहे हो मैं इस, मतलब मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ मैं अगर मेरी डायरी भूल जाता था ना मतलब मेरे पास डायरी नहीं है तो मैं पन्नों पे लिखता था और फिर उसको दोबारा डायरी में फेयर करता था पर लिखता जरूर था अमेजिंग तो जी उन यंगस्टर्स के लिए आ, क्या सलाह है या आप अपनी जर्नी से कोई ऐसी स्टोरी बताएं कि आ, एक ठहराव से कैसे जिंदगी व्यतीत करी जाती है एक्चुअली जो शॉर्टकट्स होते हैं ना मतलब जल्दी वाला कामला जैसे हमारे टाइम में कॉल सेंटर सेंटर का बहुत एकदम से आया कि चलो जी ट्वेल्थ करो कॉल सेंटर में लगो पैंतीस हजार तनख्वाह ये तनख्वा इंसेंटिव तो बहुत से लोगों की लाइफ उसमें बर्बाद हुई है जी। आप कॉल सेंटर में आपको इजी मनी मिल रहा है आप रात को कॉलिंग कर रहे हो लेकिन आप अपना जो फ्यूचर बनाने वाला टाइम था वो आपने बर्बाद कर दिया पांच साल वो बाद वो लाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाती जी। जी। है सेम आज है आज के टाइम में लाइक सबसे जो मेरे को चीज लगती है इंटरनेट पे जो ब्लॉगर्स है कि यार कैमरा उठाओ बहुत ईजी है बन गया बिल्कुल और आप लोग आपको देख भी रहे हैं जी। आपको व्यूज भी मिल रहे हैं आपको उसका पैसा भी आ रहा है लेकिन वो लोग तो छह महीने बाद दूसरा देखना शुरू कर देंगे आपको नहीं देखेंगे आप जहां पे डाल के पैसा कमा रहे हो वो प्लेटफॉर्म भी उड़ जाएगा जी जी, उसकी भी कैलकुलेशन <laughs> कम हो जाएगी हाँ और आपने कम और हो रहा है तो आपका वो जो शॉर्ट टर्म था वो गया खत्म हो जाएगा तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज आपको मेरे को ये लगता है कि वो राइट टाइम होता है स्कूल के और कॉलेज वाला जो जो मेरे सात साल में आपको बताता हूँ कि या मैं कॉलेज में भी कर रहा था तो जी जी प्ले कर रहा था फिल्में बना जी रहे जी थे you और डेडिकेटेड हाँ तो दस साल मतलब वो कह लो फिर हमारा जैसे कॉलेज खत्म होता था तो हमारे ग्रुप का फिक्स था कि कॉलेज खत्म होते ही साढ़े से साढ़े आठ नौ भी बजते थे तीन साढ़े तीन घंटे चार घंटे स्टेज पे देने देने जी, तो वो भी एक अलग से लग चा, तीन चार साल वर्कशॉप चली जी, तो अगर ये टाइम मेरे को लगता है कि आपको पैसा कमाने के लिए नहीं सोचना चाहिए जी। ये टाइम आपको अपने आपको और और आप को डेवलप और स्किल डेवलप और अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना है सो वो जो बहुत जल्दबाजी वाला टाइम है ना वो नहीं देना चाहिए वहाँ आपको ये जो अठारह से चौबीस पच्चीस छब्बीस यहाँ अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप कुछ अगर आपने ट्राई किया वो नहीं हुआ तो आपके पास कमबैक करने का टाइम है जी तो जी। वो चीजें इधर देना चाहिए ना कि आपको पैसा कमाने लग जाए बिल्कुल भाई व्हाट इज सक्सेस फॉर यू सक्सेस मैंने ना थोड़े दिन थोड़े दिन क्या कल परसों शो देखा था उसमें एक डायलॉग है कि आप अपनी मर्जी का काम कर सको और अपनी मर्जी से कर सको अगर आपके पास ये फ्रीडम है जी, जी। तो आप सक्सेसफुल हो कि अगर आज मुझे नहीं काम करना है यार कोई चक्कर नहीं मैं नहीं। कल करूँगा ठीक है मुझे ये फिल्म बनानी है तो मैं ये ही बनाऊँगा अगर मेरे पास ये सोर्सेस और या मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ अगर मैं ये नहीं हूँ चाहे मैं कितना भी बड़ा डायरेक्टर हूँ लेकिन मेरे ऊपर स्टार का प्रेशर है और कॉर्पोरेट का प्रेशर जीव। जीव। है कि यार ये नहीं ये नहीं तो मैं सक्सेसफुल नहीं अपना मन की करने के लिए चाहे आप छोटी पिक्चर बना रहे हो उसमें खुश हो जब आप राइट मूड में हो जब आज मुझे ये नहीं है कि मुझे दो दिन में बना के देनी है तो आपको वो मेरे मेरे को लगता है कि वो प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके पास वो है और आप जितना आज के दिन में मेरे को लगता है कि जितना आप रेस से बचोगे जी, जी. चाहे वो पैसा कमाने की, की, की जी है चाहे वो प्रॉपर्टी इकट्ठे करने की है चाहे वो अवार्ड की है किसी भी चीज जी. की आप अगर रेस से बाहर हो जाओगे जी. तो अच्छा है जी. और नहीं तो ना तो आप वो रेस जीत सकते जी, हो जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हो और आप बस भागते फिरोगे और जिंदगी हमेशा आपके आगे कोई ना कोई ना कोई रहेगा फोकस एक ऐसी चीज है मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है तो एक तो फोकस पे आप क्या कहना चाहेंगे और यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो फोकस कितना जरूरी है और ठहराव कितना जरूरी है लाइफ में मेरे को लगता है कि एक तो जितना इस चीज से बच सको कि ये फोन आप कोशिश करो कि आप 24 घंटे जेब में ना रखो अगर जी, 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 घर आ गए हो तो उसको रख दो जी, 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 या आप कहीं स्कूल जाते हो तो आप क्लास में लेके ही मत जाओ या कॉलेज जा रहे हो कोई अपनी लाइफ लाइफ का ऐसा पीरियड ढूंढ लो क्योंकि मैंने ये मेरे साथ करके देखा है कि जब किसी किसी फिल्म का शूट होता है तो मैं फोन नहीं ले जाता और मेरे को थोड़े टाइम होता है आपको कि फोन नहीं है बट थोड़े टाइम बाद आपको उसकी जरूरत महसूस होनी बंद हो जाती है लेकिन फिर जब आप यूज करना शुरू करते हो तो फंस जाते हो तो मेरे को एक तो मेजर है कि आप उस चीज से जितना दूर रहो और फोकस तो आपको अपना जो भी आपको एम है जो आपको लाइफ में अचीव करना है या जो आप बनना चाहते हो आपको कैसे भी करके उस उसको टाइम देना ही पड़ेगा उसके बारे में रोज सोचना ही पड़ेगा जी, कि यार मुझे ये पढ़ना है ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता तो वो वो बहुत जरूरी है वो कैसे भी करके अगर आप वो टाइम नहीं निकाल पा रहे जी, जी तो फिर आप कहीं नहीं निकाले भाजी जगदीप सिद्धू नंबर वन फिल्म डायरेक्टर द मोस्ट क्रिएटिव वन हाउ डू यू हैंडल सक्सेस पाजी सक्सेस जनरली क्योंकि चीज ही ऐसी है जी मतलब कि जैसे मैंने मेरी बेटी ने सुफना में काम किया जी जी बिल्कुल तो उसको लोग पहचानने लग गए तो मैंने उसको दोबारा काम नहीं कराया क्योंकि मैं खुद ये चीज फील करता हूँ कि कि जब मुझे सक्सेस मिली उसको कंट्रोल करना या अपने आप को संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल था तो बच्चा तो जी। हैंडल कर ही नहीं जी, सकता जी, बिल्कुल जब मुझे ये लगा था कि यार कहीं मैं इस रेस में ना पड़ जाऊँ या मैं ऐस इसका आदी ना हो जाऊं या कल कोई जब ये जाएगी तो जी, मुझे प्रॉब्लम ना हो तो उसका मैंने सबसे जो मुझे लगता है कि मैंने जो काम किया कि मेरी पहली पिक्चर थी वर्क के साथ दूसरी दलजीत पाजी के साथ जी, जी, तो तीसरी फिल्म मैंने गुरनाम जब कोई फिल्म नहीं की थी जी, जी, तो मैं ये पैटर्न करता हूँ कि बड़ी फिल्म के बाद एक छोटी फिल्म करो ताकि कल को लाइफ में अगर आपको स्टार नहीं मिला तो आप छोटा काम कर सको क्या तो बात है कमाल आप, हाँ, आप, आप हमेशा ए लाइन में नहीं काम कर सकते तो तो आप चेंज करते रो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी उस उसमें कि ऊपर नीचे आ रहा है आज ये मिल रहा है नहीं मिल रहा या ये नहीं मिलेगा तो मैं उसको उसी तरीके से देखता हूँ और दूसरा मैं पैसे से नहीं कैलकुलेट करता जी यार पैसा नहीं और मुझे आज भी मैं राइटर हूँ डायरेक्टर बनने के बाद भी मैं फिल्में लिखता हूँ लोगों के लिए कि मुझे आदत रहे किसी की सुनने की जी जी तो मैं डायरेक्टर को जब जो मैं राइटर काम करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो या आपका आप डायरेक्टर हो आप कैप्टन हो शिप के तो आपका विजन आपकी मनमर्जी जी, जी, चलेगी इसमें जी बिल्कुल तो उस वो फिर आपको थोड़ा एक जगह पे रखता है। एनी थ्री थिंग्स जो आप चाहते हैं यंगस्टर्स फॉलो करें जो कि जगदीप सिद्धू ने फॉलो करी हैं और आ, आ, उनकी सक्सेस में आ, उनकी जर्नी में वो तीन चीज़ों ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है आ, मैं थोड़े दिन पहले एक, एक उनका रघु राय जी का इंटरव्यू देख रहा था मैं इंटरव्यू बहुत देखता हूँ तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी अपनी उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बता रहे थे वो तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आदमी का माइंड होता है उसमें इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपके लोगों ने आपको बताया है आपने पढ़ा है आपने देखा है तो वहाँ इतनी सारी कैलकुलेशन है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताएगा, बताएगा। वो कैलकुलेट करके आपको कंप्यूटर की तरह रिजल्ट दे देगा ये। कि ये होगा ये। लेकिन जो एक इंस्टिंक्ट होती है जो आपको एक आवाज आती है वो डायरेक्ट आती है वो एक डिवाइन पावर होती है तो आपको वो आवाज पकड़नी है वो हर किसी के पास आती है तो मतलब मैं गंगानगर में हूँ मैं दो दूसरी क्लास में सात साल का बच्चा हूँ बट वो एक आवाज़ थी आवाज जो मैंने पकड़ ली तो वो सबको मिलती है आपको वो आवाज़ पकड़नी है जी। आप ऐस, मतलब वो आपको अपने लिए जो है वो आपको फील करना है उसको सुनना है और उस पर फिर उस पर आपको काम करना है आपको उसके बारे में सोचना है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है कि यार ये लाइन है तो ये क्या होता है कैसे होता है और फिर उस लाइन में काम करना और जो तीसरी चीज़ है कि आपको स्टबन नहीं होना जी, वो जो आवाज है वो आपको एक रस्ते पे ले जा रही है अगर मैं ये अड़के बैठा रहा था कि मैं एक्ट्री बनूंगा जी, जी, तो मैं सक्सेसफुल नहीं, हो नहीं होता था जी वो मुझे उधर लेके जा रहा था फिर वहां जाके मैंने अपने आप को थोड़ा एडजस्टमेंट कर करके शिफ्ट किया जी, और मैं क्या पता कल को एक्टर भी बन जाऊं जी, जी. बट वो टाइम है ये जर्नी है जी. अगर मैं एक्टर भी बनता हूं जी. तो ये राइटिंग ये 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 मेरी जर्नी है ये मेरे बड़ी जर्नी को, है, बड़ी हाँ, मेरे को, करनी पड़ेगी इवन द कॉलेज जहां से आप निकल, निकल के आएंगे निकल तो मुझे लगता है कि पहले आप वो आवाज जो है आपका इंस्टिंग उसको जरूर सुनो उसको दुनिया क्या बोल रही है आपकी कैलकुलेशन क्या बोल रही है उससे उसको अवॉइड मत करो उसको सुनो उस पर काम करो उसके बारे में जो भी आप कर सकते हो अपने आप को निखारने के लिए वो करो जी और तीसरा फिर उस वहां एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो एनी थ्री थिंग्स यू यंगस्टर्स नॉट टू डू एक तो जल्दी जो है कि जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि जल्दी पैसा कमाना है जी काम एम होना चाहिए पैसा अपने आप उसके पीछे आ जाएगा तो जो जल्दी के चक्कर में पैसा के लिए भागना है कम एज में तो वो नहीं होना चाहिए एक इस इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज थोड़ा डिटेल करने की कोशिश चाहूंगा कि आप वो करें जी हम सब बोलते हैं कि पैसा एम नहीं होना चाहिए ज्यादातर आजकल मैं यंगस्टर से बात करता हूँ कहते हैं भैया वो लोग बोलते हैं जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो हो जाते हैं। हो जाते हैं सो इसके इस पे क्या कहना चाहेंगे आप मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि पैसा सक्सेस नहीं है जी बिल्कुल मैंने बहुत सारे मेरे साथ के बड़े सक्सेसफुल देखे और उनकी जिंदगी कुत्ते जैसी है पैसा है और एक शांति नहीं है और क्योंकि वो रेस में पड़े हुए हैं जी तो वो कितना भी कर लें वो कर्जे में रहेंगे वो बीस करोड़ आ गया तो पचास का घर ले लेंगे तीस लोन उठा लेंगे फिर पचास पूरा किया तो सौ करोड़ वाला कुछ ले लेंगे तो वो एक तो, आ, आ, दैट जर्नी सक्सेस नहीं है पैसा किसी भी तरीके से सक, हाँ पैसा जरूरी है आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपकी बेसिक नीड्स आपकी फैमिली की नीड्स वो पूरी, पूरी हो ऐसा नहीं है मैं नहीं कहता कि आप बिल भी भैया भी खाओ भी भी नहीं आप अपने शौक पूरे हाँ। करो वो करने वाला मामला नहीं होना चाहिए कि अच्छा आप ये भी कर लो ये भी कर लो तो पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए और यंग जो आप बोल रहे हो कि नहीं वो इसलिए कि जल्दी में नहीं होना चाहिए आपको पता ही नहीं है मतलब आप उन्नीस अठारह उन्नीस साल में आपको आपके लिए पैसा आपको उस टाइम लाख रुपए महीना मिल जाएगा तो एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है जी। हो सकता है आप एक करोड़ भी कमाना हो आगे जी, जाके जी, जी। आप अपने आप को एक्सप्लोर तो करो जी। आप अपने आप को वहां रोको मत आप कुछ भी काम पकड़ लोगे उस एज में तो आप स्टक हो जाओगे और वहीं रह जाओगे जी। सो मेरे को वो लगता है कि ब्लॉक पैसे के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहिए जी। तो वो एक है दूसरा रेस में नहीं लगना चाहिए कि किसी भी स्टेज में जाके आप रेस में मतलब हो कि वो ये कर रहा है तो हाँ कॉमन है हाँ, तो कि यार ये कर कर रहा है तो 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 मैं मैं तो कर रहा हाँ। हाँ। तो आप दूसरे को देख के दूसरा क्या कर रहा है और आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तो वो आप जो एक रेस में लगना है वो भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मैं मेरे अपने स्कूल के जो मेरे क्लासमेट्स हैं मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा खुश और सक्सेसफुल वो बंदे हैं जो जिन्होंने अपने मन की, की। जो मेरा फ्रेंड है रोहित जो टॉपर था वो आईआईटी पास आउट है उसने दो साल जॉब किया और फिर उसने छोड़ के अपना स्टार्टअप किया तो उसको सब बोलते थे कि आईआईटी है इतना पैकेज है कहाँ मिलेगा किन चक्करों में पड़ रहा है बट आज वो अपना काम कर रहा है खुश है और सक्सेसफुल है लाइफ में हाँ तो वो एक वो होता है कि भेड़ चाल लाइन में मत लगो जल्दबाजी के चक्कर में मत रहो ये दो तीन है और तीसरा भगवान भरोसे भी मत रहो कि यार जो किस्मत में लिखा है वही होगा है ना जी, तो वो भी नहीं होता ऐसा किस्मत में लिखा सारा कुछ नहीं होता जी, लाइफ में ये भी मैं कहीं सतगुरु उनसे सुना था कहीं कि हर चीज नहीं है जैसे हमारे हाइट रुक जाती है जी, एक एज के बाद आपकी क्या बात है हाइट भगवान ने डिसाइड की है लेकिन वेट नहीं रुकता जी। वो आपके कंट्रोल में आप तो कम ज्यादा कर, कर सकते, सकते हो, हो। <laughs> तो कुछ चीजें हैं जो उसने करनी है लेकिन कुछ आपको करनी पड़ेगी अमेजिंग so ये तीन चीजें पाजी एक और आ, मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से आए तो बहुत सही चीज होगी क्योंकि आजकल ना पाजी गलत रास्ते पे बहुत बच्चे जा रहे हैं हम देखते हैं कि नशों की चीज़ें हैं या मे बी यू you नो know, ड्रग्स आर देयर मे बी मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर स्पोर्ट्स में इतनी इन्वॉलमेंट नहीं रही लोगों की जब हम थे तो कितना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा थी तो उस चीज़ के बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे आप स्पोर्ट्स uh, बहुत ज़रूरी है मतलब मेरे को लगता है कि जो घरों पे मोबाइल्स में ये बैठ गए वो प्रॉब्लम है आपको एज ए पेरेंट पेरेंट्स भी मैं कहूँगा कि आपको अपने बच्चे को किसी न किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर डालना चाहिए कि ठीक है चाहे उसका एम इंडिया खेलना नहीं है तब भी उसको आप बेसिक के लिए ज़रूर डालो स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जी आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप आप में एक फाइटर स्प्रेट आती रहती है जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है तो स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है और दूसरा है जैसे ड्रग्स वगैरह है तो ये चीज़ें आपके सराउंडिंग में आएंगी आएंगी जी। ये आप अवॉइड नहीं, नहीं कर, कर सकते।, सकते ये ना पेरेंट्स ऐसा आंखें बंद कर सकते हैं कि यार हमारा बच्चा तो कुछ नहीं करेगा तो आपको भी अवेयर रहना चाहिए अपने बच्चों के चाहिए। बत, के, बच्चों के 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 साथ आपको रखना चाहिए और लड़कों पॉइंट ऑफ से ये है कि आपको ये ये इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि ये जो मैं खा रहा हूँ या जो मैं नशा ले रहा हूँ इसका नुकसान क्या है मैं अपना पर्सनल आपको एक फटाक देने थोड़ा किस्सा बताता हूँ कि मैं बहुत छोटा था तो मैं एक नाम नहीं ले सकता ब्रांड है जी, तो सुपारी जैसी चीज जी, थी, जी, थी वो लेकिन उसकी लत बहुत लगती थी और वो इतना स्वाद था उसमें तो मैं किसी को देखा कि अच्छा भैया वो जेब में रखते हैं तो मैं ना वो जेब में रखने लग गया जी, और रोज खा रहा हूं तो मैं बहुत छोटा था दूसरी तीसरी ऐसा था छोटा ना उसमें गुटखा वगैरह कुछ नहीं था वो सुपारी थी बट थी सुपारी थी पर आदत तो लगी नहीं। रही नहीं। थी नहीं। मैं रस्ते तो चल ही पड़ा था तो दिन मैंने रोज खाया और उस उसको अपनी लाइफ से छोड़ दिया फिर मैं जब स्कूल में था तो फिफ्थ क्लास में सैनिक स्कूल जाने से पहले तो मैं बाथरूम में गया तो वहां दो बच्चे ना कुछ कर रहे थे कोने में खड़े तो मैं आपको वो एज में ऐसे लगता है कि ये चीज मैं करूंगा तो मैं बड़ा होऊंगा सबसे ये रहता है कि मैं मैं भी कर सकता हूँ वो मरवाती है बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने वहाँ वो कुछ खा रहे थे गुटका तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा मेरे को भी दे दो जी। जी। तो मैंने दिया मैं उसको खा गया ओके। और निकल गया मतलब मेरे को उसको थूकना वूकना जो भी प्रोसेस नहीं पता थी और निकल गया लेकिन वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे समझ में आ गया कि मेरे को यार जिंदगी भर इस रस्ते नहीं जाना चाहिए तो मैंने जैसे लेटर ऑन अब मैं ड्रिंक करता हूँ बट वो मैंने बहुत लेट, लेट जाके उसको समझा और मैं अब मेरे को उसको नॉलेज है कि ये मेरे को कितना हार्म कर सकती है तो मैं को कितनी करनी है और मेरे को नहीं करनी आपको जब तक उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो जो एज है तो आप जब कूद पड़ते हो उसमें तो वहां आप बर्बाद हो जाते जाए तो एज ए पेरेंट्स भी आपको अपने बच्चों से इस चीज को लेके बात करनी चाहिए कि भैया इसके ये नुकसान है ये ऐसा है वैसा है और आपको समझ होनी चाहिए आप उसमें नहीं कूद सकते तो और इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि यार मेरे चार दोस्त शराब पीते हैं मैं भी पी लेता हूँ तो ये ये आपको बर्बाद कर देगा ड्रग्स आपको कोई भी नशा आपको कहीं भी नहीं ले जा सकता जी, जी, बिल्कुल तो इस ये सबसे जरूरी है कि इससे जितना बचो जी और वो हाई मैं आपको बताता हूँ जो आप में अभी मेरी वो जो सक्सेस कह रहे हो जितना नशा आपको शराब बियर ये गुटके वुटके जो देते हैं सिगरेट देते हैं उससे ज्यादा हाई में वो डायरी लिख के रहता था जी। जब आप अपने जिंदगी में आपको कुछ अचीव करना है और वो सपना जब आप ये सोचते हो ना कि हो जाएगा जी। जी। तो आप बहुत आ, उड़ते रहते हो उसको आप अपने एम को लाइफ में फील करो और उसको आप शिद्दत से हाँ तो आपको नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक यू वेरी वेरी मच जगदीप भाई इतना वक्त निकाले और सच एंड इंस्परेशनल थिंग्स यू हैव शेयर्ड एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स या जितने भी लोग ये अपिसोड देख रहे होंगे 100 परसेंट उनको मोटिवेशन मिलेगी और 100 परसेंट उनको सही रस्ते पे जाने का एक अंदर से इंस्टिंट जरूर आएगा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो दैट वाज जगदीप सिद्धू एट फ्राइडे टॉक्स सी यू नेक्स्ट वीक टिल देन स्टे ब्लेस्ड